अरे एक दिन वो भोले भंडारी, बड़ी प्यारी कथा, बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। आहा, एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए। बात कन्हैया के रास की, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, सारी सखियां तैयार होकर जा रही है दूर दूर से, अनेक देवंगनाएं रंबा उवर्षी तरस रहे हैं कन्हैया की बांसुरी के साथ, थाप में थाप मिलाने को अपने घुंघरुओं की। लेकिन आप जानते ही होंगे रास का, महारास का एक मुख्य मुख्य बात यह थी कि उस रास में केवल गोपियां ही जा सकती थी, परम पुरुष एक ही थे कन्हैया, बाकी कोई पुरुष नहीं। मनाई थी रास मंडल में, लेकिन भोलेनाथ रोक नहीं पाए। पार्वती भी बन, लक्ष्मी जा रही, पार्वती बंठन के जा रही है। तो भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती कहां जा रही हो? बोले कन्हैया की रास है महारास और हम अटेंड करने जा रही है। भगवान शंकर उस बांसुरी की तान, वो जमुना की लहरें, वो कदम की डाल, आह रोक नहीं पाए। बोले पार्वती मैं भी चलूंगा। जमुना किनारे कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजाए, पूनम का चंदा चमका है और कान्हा रास रचाए। और बड़ी प्यारी बात, भगवान शंकर मानते नहीं, माता पार्वती बोलती है देखो वहां पर केवल गोपियां ही जाएगी, भोलेनाथ जी आपका जाना वर्जित है। बोले मुझे गोपी बना दे, मगर मुझे जाने दे, एक बार ठुमका लगाने दे। आहा, महारास में दो महान विभूतियों का संगम, दोनों श्रृंगार। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी कुल में आ गए हैं, कुल में आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी कुल में आ गए हैं, कुल में आ गए हैं। अरे पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा रास रंग में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा रास रंग में, राधा संग शाम रचा है ब्रज में भारी, तुम्हें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और भगवान शंकर जिद करते पार्वती मैं चलूंगा, बड़ा ही प्यारा रस भरा गीत।
मैं भी चलूंगा रास रंग में, राधा संग शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तोरे। अब्बा अब्बा, भगवान शंकर की ये हट और माता पार्वती समझाती है। ओ मेरे भोले आका, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, कोई पुरुष ना जाए काना सिवा उस रात में। अरे हसी करेगी प्रजा नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अरे तुम वो भोले भंडारी बन करके भजनारी, गोकुल में आ गए गोकुल। ऐसा बना तो हमको कोई न जाने मेरी हाल को, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना नंदलाल को। ऐसा बना दो मुझे मेरी ताल को कोई न समझे, मुझे साड़ी वाड़ी जरा कर दो ना। बोले अरे बोले बाबा क्या कर रहे हो आप। बोले नहीं मुझसे नहीं रहा जा रहा पार्वती, मेरे सारे चीजों को जैसे भी करना है करके मुझे नारी बना दो। अरे बोले इतना बड़ा ये जटा का झुंड कैसे तुम्हें नारी बनाऊं, घूंघटा निकालूं कैसे, इतनी लंबी चौड़ी नारी। बोले कुछ भी करो, अब भगवान शंकर का हट, एक बार जो चीज मन को भागी वो तो होना ही, बस आगे पीछे कुछ नहीं, होना तो होना। अरे ऐसा बना दो हमको कोई न जाने मेरी ताल को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना नंदलाल को। अरे बाज रही है मुरली प्यारी, जल्दी करो तैयारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के आए जमा कर, बंठन कर रेडी हो गए। और उधर पार्वती ने जब पूरे भोलेनाथ सज गए, बोले कोई को अंदर मत आने दो, और झट उधर से खेलते कूदते गणेश जी आ गए, कार्तिक आ गए। बोले मामा 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 माँ ये कौन सी तेरी सहेली है। बोले अरे ये बच्चे आ गए हैं। भगवान शंकर बोले क्या करूं। बोले झट घूमता खा लो पता ही नहीं चलेगा। सज गए भोले शंकर वालिन का रूप सजा लिया, छत से कुमारानी ने भोले को घूंघट करा दिया, लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली को खुल गए हैं वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और कन्हैया की रास। सारे लोग अंदर, गोपियां भागी जा रही है, देवंगनाएं भागी जा रही है, और भगवान शंकर भी भागते भागते घूमता किसी तरह संभालते संभालते पार्वती के साथ अंदर घुस गए। अरे हंसकर सती ने कहा, हो बलिहारी जाऊं छाम धूप में। सती ने कहा, इस रूप को देखकर मुझे याद आ रहा है, एक बार हरि ने रूप धारा था मोहिनी का, आज आपने रूप धारा है ग्वालिन का। प्रभु भोलेनाथ। हंसकर सती ने कहा, ओ बलिहारी जाऊं छाम धूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप विष्णु ने धारा है तोरी मारा गोकुल में। और भगवान शंकर अंदर घुस गए। सब लोग जल्दी में थे, लेडीज जा रही है जाने दो, और अंदर जाकर कन्हैया बांसुरी की तान छेड़ी, सारी गोपियां जमा हुई, और देखता क्या है मामला, चारों ओर कन्हैया ही कन्हैया, जितनी गोपियां उतने कन्हैया, चारों ओर महाराज वृंदावन बिहारी की रास, गिरिराज धरन की रास रच रही है। आहा, श्रृंगार बरस रहा है, पल पल अमृत बरस रहा है। उस चांदनी रात में ही उस पूर्ण चंद्रमा के सामने जमुना की लहरें कल कल कर रही है, चारा रास मंडल सारा गुनगुना रहा है। और भगवान श्याम ने देखा नाचते नाचते, बोले इतनी मोटी ताजी गोपी तो पहली बार आई है, ये साइज। पूछा ये कौन है? पार्वती ने झट कहा, कन्हैया ये मेरे साथ है। पूछा है श्याम सुंदर ने, हो ये कौन आया रास रंग में, ग्वालिन अनोखी आई, हो ग्वालिन अनोखी आई, थिरकन है जिसके अंग अंग में। ग्वालिन अनोखी आई जिसके अंग अंग में थिरकन है पार्वती, एक ग्वालिन। अरे ऊंची पूरी मोटी ताजी, क्या ग्वालिन भाई, कन्हैया ने कह दिया। अरे ऊंची पूरी मोटी ताजी लगती न्यारी न्यारी, गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। पहचाना गिरधारी ने, ओ समझ गए वो सारी बात रे, ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध खो गए भोलेनाथ रे। गिरधारी ने बजा लिया, कन्हैया ने जान लिया कि आज मेरे मित्र आए हैं ठुमका लगाने के लिए। सारी गोपियां नाच रही है, इधर भोलेनाथ जी पूरे अपने आप को संभाल के कि पता न चल जाए पता न चल जाए, घूंघटे को संभाल रहे हैं। लेकिन कन्हैया की जब बांसुरी, जादूगरी बांसुरी कन्हैया ने बजाई, बोले समझ में आएगी बात। और जब कन्हैया ने जादू भरी बांसुरी बजाई, भोलेनाथ सुध बुध खो गए। पहचाना गिरधारी ने,
सक गई है सर से साड़ी, उतना ही टाइम लगा भोलेनाथ मस्ती में आ गए और साड़ी यहां से खिसक हुए जटा दिखने लग गई। अरे खिसक गई है सर से साड़ी, शर्माए पुरानी साड़ी शर्मा ए त्रिपुरारी। सारे लोगों की नजर गई, बोले ये मोटी ताजी और साड़ी खिसकी जटाएं बाहर आ गई। भगवान शंकर शर्मा गए और भगवान शंकर का ये रूप देखकर कन्हैया ने रास मंडल में वरदान दिया कि ओ मेरे भोले बाबा हो वृंदावन हुआ तेरा धाम रे, गोपेश्वर हुआ नाम रे, गोपेश्वर का वरदान दिया। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव पूजे जाते हैं। रास मंडल में गोपेश्वर गोपी से ईश्वर बने। भोले बाबा ओ मेरे भोले बाबा,